अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें मनी हाइस्ट वाले बड़े बड़े धमाके होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जितना एक्शन गन्स और धमाकों वाला है उससे ज्यादा एक्शन तो बेडरूम वाला है। तो मम्मी पापा और बच्चों के साथ बिग नो। स्टोरी स्टार्ट में थोड़ा वीक लगती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है ना यार वो मनी हाइस्ट वाला होता है और मनी हाइस्ट काफी फास्ट पेस्ड था, पर बर्लिन का स्टार्ट काफी स्लो है। तो अगर आपको ऐसी वेब सीरीज पसंद है जो काफी स्लो बिल्डअप करती है तो आप ये शो इंजॉय करोगे, क्योंकि फिफ्थ एपिसोड के बाद स्टोरी में काफी कुछ होता है। मुझे स्टोरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बस ये लगा कि हाइस्ट में वो सस्पेंस ही नहीं है, वो थ्रिल वाली फील नहीं आती, क्योंकि इवन मनी हाइस्ट में भी प्रोफेसर की इतनी अच्छी प्लानिंग के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता था। तो उसी के बाद मजा आता था कि अब प्रोफेसर इससे कैसे बाहर निकलेगा। पर यार बर्लिन में हाइस्ट ऐसा है जैसे कि मक्खन पर छुरी चलाना।